हमारा ओपिनियन जो है ये पुलिस का काम सर, ऐसा नोट करके लिख जाना नहीं है, मीडिया में हमारी बात करें, पुलिस का काम है, विटनरी सेक्शन को बुलाना था, बल्दियालों को नहीं बुला कि आप लोग ही गैर कानूनी काम कर रही, कानून के रखवाले रहेंगे, कानून के खिलाफ काम कर रही, तो बल्दिया वालों के कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बल्दिया का अमला आना था यहाँ पे, पुलिस वाले कब से जानवर लोड करने के ये इन लोगों को ड्यूटी दी गई है, पुलिस वालों को कानून की रखवाली करने के लिए ड्यूटी गई है, जानवर लोड करने की दी गई है, ये काम समझ के बाहर है, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हो रहा है टोटली, हम मजम्मत करते हैं खिलाफ, ये पूरे लोगों को चाहिए कि काम के खिलाफ मजम्मत करिए, नारा दीजिए, पुलिस जुलूम बंद होना चाहिए, पुलिस जुलूम। मंसूर चौधरी बात कर रहा हूँ साहब, यहाँ पे मलकपेट में जानवर आया सर, रोक लिए, बोलियो उठा ले रहे हैं, तो मैं फोन करे तो मैं आया था अभी, ये डॉक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने को ऐसा स्पॉट पे नहीं दे सकते, इनका जानवर बेचने वाले खाली साहब, ये जानवर ले लेके जा रहे हैं मलकपेट ACP साहब, यहाँ श्यामचंदर साहब बलाला साहब को फोन करे थे, बलाला साहब आए थे, फिर अभी बलाला साहब अभी आगे बात करके गए, वही जरा देखिए ना साहब, जानवर ले लेके जा रहे हैं, जो एक घंटा डेढ़ घंटा पहले आके गए थे, कहते जब यहाँ पे कोई भी नहीं थे यहाँ पे, डॉक्टर सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं यहाँ पे ACP साहब, मैं ACP साहब को जाके बात करा, मैं बोला साहब ये डॉक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिलता, ऐसा नहीं मांग सकते, और डॉक्टर सर्टिफिकेट ऐसा रोड पे नहीं मांग सकते, ये स्लॉटरिंग होते टाइम पे जो ऐसा मांगने का रहता, ये जानवर बेचने वाले खरीद के बेचने वाले एक मुकाम पे दूसरे मुकाम बोले तो अच्छा अच्छा रहने दो बल्कि बात ही नहीं कर रहे, लीगैलिटी की बात ही नहीं कर रहे साहब, लगा हाँ वही मनमानी चल रही है, खाली लीगैलिटी की बात ही नहीं कर रहे कुछ भी, ये रास्ते बंद कर दिए जी जी साहब, देखिए ना साहब अगर टाइम निकाल, रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी जमीतुल कुरैश तेलंगाना स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी, मेरे को यहाँ पे इत्तला लगी थी कि मलकपेट अफजल नगर के एरिया में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं उसको यहाँ पे कंप्लेंट आई बोल के यहाँ से पूरा देखिए आप पीछे देखते हैं गाड़ी में लोड करके लेके जाया जा रहा है, ये आज बाउंड्री में जानवर खरीद के लाए थे हमारे रहीम भाई के, ये जानवर है जो बाजार से खरीदे थे, वो बाजार की रसीद है, इन्होंने 6-6.5 लाख का माल लेके आए, और जो व्यापारी से खरीदे थे उसकी भी रसीद है, अभी ACP साहब से बात करने के ऊपर उन्होंने ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो स्लॉटरिंग के लिए दिया जाता है, जबकि ACP साहब को मांगने की लीगैलिटी नहीं है और ना बल्दिया के ऑफिसरों को है, हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट स्लॉटर जब किया जाता है, स्लॉटर हाउस के पास में जब दिया जाता है, ये लोग व्यापारी है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जानवर ला के बेचते, ट्रेडिंग का काम करते, तो जानवर की ट्रेडिंग करना लीगल है, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से इलीगल तरीके से हो रही है, और यहाँ पे कुछ महिला के लोग कारोबार करने के लिए लाए थे और कंप्लेंट नहीं बोल रही, यहाँ पे एक दूसरे का साथ देखिए, ये कुर्बानी का मसला पूरी उम्मत मुस्लिम का है, अगर इनके साथ में तकलीफ हो रही है तो हमारे मुस्लिम दूसरे भाई यहाँ के कई गुना डर रहे हैं इनके साथ में, जब यहाँ पूरे दिन ठहर के एहतजाज करेंगे तो माल नहीं जा सकता यहाँ से, आज हमारी कैसी बात है, देखिए हमारे बस्ती में से माल जा रहा, तो हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कुर्बानी के मसले में जब किसी के एक के साथ गलत होता है तो उनके साथ ठहरिए, हम इससे पहले भी एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर से भी इस बारे में पूछे थे, ये सर्टिफिकेट मांगने का हक पुलिस वालों को कहीं पे भी नहीं है, अगर है तो आप लिखत में लाके बताइए, ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए, और हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा करते हैं आपके दौर इख्तदार में अगर इस तरह से जुल्म होगा और इस तरह से लूटा जाएगा लोगों को तो हम आपके खिलाफ जो है सो धरना देंगे, हम आपके खिलाफ ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए, ये अभी यहाँ पे बुलडोजर लेके आए थे लाके जो है यहाँ पे बाउंड्री के पास में डैमेज करे, ये प्राइवेट बाउंड्री है, किसी की प्राइवेट बाउंड्री में विदाउट परमिशन विदाउट जो है वारंट लेके सर्च वारंट लेके आप अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे, प्राइवेट बाउंड्री को जो है डैमेज करे, JCP मंगाए, ये इतनी अथॉरिटी पुलिस वालों को क्यों दी जा रही है, ये पुलिस वालों का जुल्म कई को बनने हो रहा, हम तमाम लोग असद साहब से भी मुतालिबा करते हैं और MIM के कायदीन से भी मुतालिबा करते हैं, ये पुलिस के जुल्म के खिलाफ ये पुलिस का जुल्म बंद होना चाहिए, बलाला साहब से भी बातचीत हुई थी, रहमत बेग साहब से भी अभी अभी हमारी बातचीत हुई, रहमत बेग साहब भी बात करते बोले, बलाला साहब भी बात करते बोले, लेकिन पुलिस वालों का ये जुल्म बंद नहीं हो रहा, पुलिस वाले किसी की भी नहीं सुन रही, गवर्नमेंट शेल्टर में दो गौशाला में डालते बोल रही, वहां से जानवर छुड़ा बोल के बोल रही, ये हम मुतालिबा करते हैं हुकूमत से, ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए, जब मुकाम पे आ गया उसके बाद में आप लोग अथॉरिटी नहीं है बल्दिया वालों को और पुलिस वालों की तरह आके किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जानवर लिख जाने की, ये जानवर चेक करने की किसकी जिम्मेदारी है, ये जानवर चेक करने की वेटरनरी जो सेक्शन की जिम्मेदारी होती है, पुलिस वालों का काम ये था, अगर यहाँ की कंप्लेंट नहीं थी तो उन्होंने वेटरनरी ऑफिसर्स को कंप्लेंट करना था, बुलाना था, यहीं पे स्पॉट पे जैसो
ये जानवर को चेक किया जाता है, ये फिट है ये नहीं है चेक किया जाता, और हुकूमत से कहीं से भी ऐसे गाइडलाइन नहीं है, हुकूमत की जानिब से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अगर आपको अगर सर्टिफिकेट देना है तो हुकूमत फिर डॉक्टरों को अवेलेबल क्या रखी, हुकूमत से कोई गाइडलाइन जारी कराओ। ये पुलिस वालों को इतनी अथॉरिटी कैसा हो गई है आखिर, कि कुर्बानी की उसमें आपको फिट का सर्टिफिकेट याद आ रहा, बकरे को नहीं आता, दीगर त्योहारों में नहीं आता, किसमें भी नहीं आता, अभी याद आता है इन लोगों को, कई को आता है। ये जो जहनीत है फिरकावारियत की, जो जहनीत है इंतजार की, जो जहनीत है ये तब्दील होना चाहिए, किसी के भी त्यौहार में इस तरह की दुश्वारी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर बुलडोजर लेकर आने का मकसद क्या, बुलडोजर बोलते यूपी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिरता है, अब ये बुलडोजर ला के यही बताना चाह रहे हैं, जैसा बुलडोजर की हुकूमत चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ की जानिब से, वैसे बुलडोजर ला के प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे दोस्तों तोड़म ताड़ी कर रही, ये किस तरह का काम हो रहा है। ये तेलंगाना एक सेकुलर स्टेट है और हैदराबाद एक सेकुलर शहर है, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की जो है पूरे मिलके रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हुक्मरानी चल रही है। क्या ये आरएसएस का गढ़ बना हुआ है या क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, किस तरह का काम हो रहा है ये समझ के बाहर हो रहा है यहाँ पे।